वॉलंटियर। ओके, आप लोग जानते हैं कि पॉलन किट परागकण से ही संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है जो वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम मतलब अति लघुतात्मक प्रकार के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। होता क्या है पॉलन किट? देखिए, पॉलन किट मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पॉलन किट का मतलब होता है कि पराग कणों के ऊपर, पराग कणों की सतह पर एक चिपचिपा तेलीय आवरण या परत होती है। पराग कण की सतह पर एक चिपचिपी तेलीय परत होती है, ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं, पॉलन किट या पराग किट कहते हैं। तो देखिए, अब बात इसकी आती है कि ये क्यों होता है ऐसा, चिपचिपी परत कहां पाई जाती है, किस प्रकार के पराग कणों में पाई जाती है, ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्या है। तो हम देखते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है कि परागकण एक क्रिया, परागण एक क्रिया होती है, पॉलिनेशन एक क्रिया होती है जिसमें मधुमक्खी द्वारा, पक्षियों द्वारा या कीटों द्वारा, ठीक है, परागकणों को एक पुष्प से मतलब उसके नर पुष्प वाले भाग से या नर भाग से उसको मादा भाग तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वाहक के रूप में या माध्यम के रूप में कोई एक कीट हो सकता है। तो यहाँ पर कीट परागित पादपों की ही बात की जा रही है कि जो कीट परागित पादप होते हैं जिनके अंदर परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है उनके अंदर ये पॉलन किट या पराग किट पाया जाता है। तो सबसे पहले आप परिभाषा देख सकते हैं कि पराग किट या पॉलन किट की परिभाषा क्या होती है। तो कीट परागित पुष्पों के परागकणों, कीट परागित पुष्पों के जिनमें इंसेक्ट के थ्रू, कीट के थ्रू क्या होता है, परागण होता है, उनमें पराग कणों की सतह पर एक तेलीय, एक ऑयली, तेलीय चिपचिपी स्टिकी, है ना, एक तेलीय ऑयली या स्टिकी क्या होती है, लेयर होती है, परत होती है, जिसे पॉलन किट कहते हैं, राइट। सो याद रखिएगा पॉलन किट क्या है, ये पराग कण पर पाई जाने वाली एक परत है, ठीक। Now, इससे होगा क्या, ये पॉलन किट पराग कणों को विशिष्ट रंग एवं गंध प्रदान करती है। इसी पॉलन किट के कारण पराग कणों को क्या प्रदान होता है, एक विशिष्ट रंग और गंध प्रदान होती है, राइट। नाउ अब ये किसकी बनी होती है, तो आप क्या देखेंगे कि पॉलन किट लिपिड और कैरोटीनॉइड से बनी होती है, और ये लिपिड और कैरोटीनॉइड, ये लिपिड और कैरोटीनॉइड का जो निर्माण है या संश्लेषण है वो टैपिटम की कोशिका द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा, टैपिटम की कोशिका द्वारा। सो नाउ आप देखते हैं ये परत किसकी बनी होती है, लिपिड, ये परत लिपिड एंड कैरोटीनॉइड की बनी होती है, ओके। और ये कहां बनता है, इस लिपिड और कैरोटीनॉइड का संश्लेषण कहां होता है, टैपिटम की कोशिकाओं से इसका संश्लेषण होता है। तभी कहते हैं टैपिटम के कार्य के अंदर, टैपिटम के जो आपने फंक्शन देखे थे उस टैपिटम के कार्य में आपने देखा था कि पराग किट का निर्माण भी टैपिटम के द्वारा ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलन जो किट है उसका निर्माण कौन करता है, लिपिड और कैरोटीनॉइड, और ये लिपिड और कैरोटीनॉइड कहां बनते हैं, ये टैपिटम की कोशिकाओं से बनाए जाते हैं। इसीलिए टैपिटम के कार्य के अंतर्गत इस पॉलन किट को रखा जाता है कि टैपिटम द्वारा ही पॉलन किट का निर्माण किया जाता है। नाउ अगर हम इसके कार्यों की बात करें कि ये पॉलन किट क्या कार्य करता है, तो पहला कार्य तो ये कि देखिए, जिन पुष्पों के अंदर कीटों द्वारा परागण होता है तो क्या उसका अनुकूलन क्या होगा, हम इसके लिए एक नया लेक्चर लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर परागण टॉपिक आएगा, परागण पॉलिनेशन, उसके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से परागण की क्रिया होती है, पराग कणों का किस प्रकार से स्थानांतरण होता है। लेकिन यहाँ पर आप पढ़े कि कीटों के द्वारा परागण जो होता है उसके अंदर कीट एक पुष्प पर जाकर बैठते हैं, ठीक है, और जब उस पुष्प पर जाके बैठते हैं उनका उद्देश्य होता है मकरंद को चूसना, जो पुष्प है उससे मकरंद प्राप्त करना, ठीक है। तो जैसे ही वो पुष्प पर जाके बैठते हैं, पराग कणों पर यह तेलीय या चिपचिपी परत अर्थात
पॉलन किट की उपस्थिति के कारण वो परागकण जाके चिपक जाते हैं किससे, उसके कीट के शरीर से या उसके पैरों से या उसके पंखों से चिपक जाते हैं। तो कीटों से परागकण को चिपकने में सहायता करती है, पहला इसका कार्य ये है। ओके, नाउ दूसरा कार्य क्या होता है, देखिए ये जो परत है ये परागकण को पराबैंगनी किरणों से यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखो क्या है, यूवी रेज से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, राइट। और नाउ लास्ट, आपने देखा कि परागकणों का विशिष्ट रंग और परागकणों का विशिष्ट गंध ये दोनों किसके कारण होते हैं, पॉलन किट के कारण होते हैं। तो इसका जो थर्ड फंक्शन है वो है कीटों को अट्रैक्ट करना, कीटों को आकर्षित करना। सो कीटों को आकर्षित करने का कार्य पॉलन किट के द्वारा किया जाता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है परागकण का जीवन काल, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। ओके, देखो हमने लाइफ स्पैन पढ़ी है, लाइफ स्पैन या जीवन अवधि, जीवन अवधि मतलब कोई जीव, जीवन अवधि का मतलब होता है किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, ठीक है। तो परागकणों की जीवन अवधि या जीवन काल कितना होता है, कितने समय तक परागकण क्रियाशील या उर्वर बने रहते हैं, ठीक है, उनमें अंकुरण की क्षमता रहती है, वो अवधि ही क्या कहलाती है, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन कहलाती है। तो परागकण की जीवन अवधि भी से हम कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं वह अवधि, जीवन अवधि मतलब वह अवधि जिसमें परागकण फर्टाइल उर्वर या एक्टिव रहता है, फंक्शनल रहता है, ठीक है, फर्टाइल रहता है या फंक्शनल रहता है, उस अवधि को कहते हैं हम क्या, परागकण का जीवन काल। अब देखिए आपके पास में अगर इसकी अवधि के बारे में देखें तो मैं एग्जांपल के रूप में मोनोकॉट्स को देख सकते हैं, मोनोकॉट एक बीज पत्री, जो एक बीज पत्री पादप होते हैं, है ना, जैसे दैट इज वीट, राइस, गेहूं, चावल, इनके अंदर ये जो पीरियड होता है ना, ये वायबिलिटी पीरियड जो होता है 30 मिनट का होता है, 30 मिनट का, 30 मिनट का वायबिलिटी पीरियड होता है, इट मींस 30 मिनट तक ही परागकण उर्वर या क्रियाशील बने रह सकते हैं। अगर इससे ज्यादा समय अगर गुजरता है तो उनकी वायबिलिटी समाप्त हो जाती है, उनकी उर्वरता नष्ट हो जाती है, ऐसी स्थिति में वे जीवित नहीं रह सकते, उनमें अंकुरण नहीं होगा जिससे प्रोडक्टिविटी लॉस होगा। सो इसी वजह से आप देखते हैं कि आप एक बीजपत्री पादपों के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में, अत्यधिक मात्रा के अंदर परागकणों को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। नाउ अगर दूसरी बात करें हम किसकी, डाइकॉट्स की, तो डाइकॉट्स जो होते हैं मतलब द्विबीजपत्री जो होते हैं, द्विबीजपत्री डाइकॉट्स, डाइकॉट्स के अंदर कुछ फैमिलीज, कुछ फैमिलीज जैसे रोजेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, ये जो फैमिलीज हैं, ये जो कुल हैं, ठीक है, इन कुलों के अंदर जो वायबिलिटी पीरियड जो होता है वो वायबिलिटी पीरियड कुछ महीनों का होता है, कुछ महीनों का होता है, मतलब ये कुछ महीनों तक इनके जो पॉलेंस हैं उनके अंदर फर्टिलिटी या जो है फंक्शनल बने रह सकते हैं। तो ये पॉलन का क्या है, ये जीवन काल है, उनका वायबिलिटी पीरियड है, राइट। अब देखो एक शब्द और सुना होगा आपने, एक शब्द और होता है जिसे बोलते हैं पॉलन बैंक, पॉलन बैंक, पराग बैंक, पराग बैंक। देखिए पॉलन बैंक या पराग बैंक क्या होते हैं, देखो जैसे सीड बैंक होता है, आपने सीड है, पॉलेंस है, ये सब जर्म प्लाज्म होते हैं, इसी तरह से पॉलेंस को भी हम क्या कर सकते हैं,
कुछ लंबे समय तक हम इनको कंजर्व करके, हम इनको परिरक्षित करके रख सकते हैं। तो जहां पर पॉलन बैंक का मतलब होता है कि क्या करना, पॉलेंस को, पराग कणों को, पराग कणों को परिरक्षित रखना, परिरक्षित रखना, प्रिजर्व रखना, ओके। और प्रिजर्व के लिए जो एक टेक्नोलॉजी है, जो एक तकनीक है, उस तकनीक का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या नाम है? क्रायो, क्रायो प्रिजर्व, प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, ठीक है। इसको शीत तापमानुशीलन भी कहते हैं। सो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है, इस टेक्निक के अंदर हम पॉलेंस को -195 या 196, देखिए 195 या 196 एक ही बात है, 196 डिग्री टेम्परेचर पर, ओके, -190 पर हम क्या करते हैं, द्रवित लिक्विड नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन जो होती है, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, उस लिक्विड नाइट्रोजन पर क्या करते हैं, परिरक्षित करके रखते हैं। समझिएगा, पॉलन बैंक्स क्या होते हैं, पॉलन बैंक मतलब जहां पराग कणों को क्या करके रखा जाता है, परिरक्षित करके, कंजर्व करने के लिए इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उन्हें हम पराग बैंक या पॉलन बैंक कहते हैं, ठीक है। इस पॉलन बैंक के अंदर क्या होता है, जो पॉलेंस जो होते हैं, पराग कण जो होते हैं, उनको -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उनको रखा जाता है, राइट। और लिक्विड नाइट्रोजन में जब टेम्परेचर इतना लो कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो जो पॉलेंस है, वो लो टेम्परेचर पर उनके एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और एंजाइम्स के इनएक्टिव हो जाने की वजह से इनकी सारी मेटाबॉलिज्म जो है वो संतुलित हो जाती है, हम कह सकते हैं इनहिबिट हो जाती है, संतुलित हो जाती है ना, और इनको इस तरह से हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो ये आपका पॉलन, पॉलन बैंक है, पॉलन बैंक, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन एलर्जी, पराग एलर्जी, पॉलन एलर्जी या पराग एलर्जी। देखिए आप लोग एलर्जी के बारे में जानते हैं कि एलर्जी क्या है, एलर्जी एक प्रकार की संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता, कैसी संवेदनशीलता, मतलब आप देखते हैं हम कई बार कोई व्यक्ति एक साथ धूप में जाता है या तो उसके शरीर, उसके चेहरे का रंग लाल हो जाता है, या कई बार कोई व्यक्ति एक साथ धूल में चला जाता है, ज्यादा डस्ट उड़ रही है वहां चला जाता है, तो देखता है ऐसे बहुत सारा छींक आती है ना, या किसी को किसी विशिष्ट खाने से, फूड से एलर्जी होती है, कि वो अगर उसको खा लेता है तो उसके अंदर इंफ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं, हो सकता है उसकी बॉडी पर सूजन, स्वेलिंग हो जाए, या उसका बॉडी रेड हो जाए, या उस पर रेड रेड स्पॉट्स हो जाए, या इचिंग होने लग जाए। सो एलर्जी का मतलब होता है एक प्रकार की सेंसिटिविटी, मीन्स एक संवेदनशीलता जो किसी भी चीज से किसी को भी हो सकती है, राइट। यहां पर जो हम एलर्जी की बात कर रहे हैं वो पराग कणों से होने वाली एलर्जी है, पॉलन ग्रेन से किस प्रकार की एलर्जी होती है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको एंटीबॉडी ई बोलते हैं, एंटीबॉडी ई जो होता है वो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पराग एलर्जी का मतलब देखिए, आपने पराग कण की संरचना देखी है, जो आपका पराग कण होता है उसकी ये इंटाइन है, उस एंटाइम के बाद इस तरह की एक पढ़ा था आपने लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर, एक रफ थिक लेयर होती है जिसको आप एक्साइम कहते हैं, राइट। तो होता क्या है कि कुछ पराग कण एवं कैपिटल से बनने वाले प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, आपने इसमें जर्म कोर बना सकते हैं कहीं पर भी, कि मुझे यहाँ पर जर्म कोर बनाना है, तो यहाँ जर्म कोर बना दिया आपने, ये जनन क्षेत्र हो गया आपका, है ना। तो होता क्या है कि पराग कण एवं टैपिटम से कुछ ऐसे प्रोटीन उत्पन्न होते हैं, जो प्रोटीन इस एग्ज
एग्जाइम या आउटर मोस्ट लेयर जो है बाहरी चोल के अंदर जो कैविटीज होती हैं, जो खुरदरे डिप्स होते हैं उनके अंदर वो प्रोटीन भर जाते हैं। ओके, जैसे ही नमी का मौसम आता है, मॉइस्चर का क्लाइमेट होता है, जब वातावरण में नमी आती है तो ऐसी स्थिति में नमी को प्राप्त कर ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन उसमें से बाहर निकल आते हैं। और जब इन पराग कणों को मानव के द्वारा इनहल किया जाता है, अंतः श्वसित किया जाता है, इनहलेशन किया जाता है, मतलब श्वसन के माध्यम से अगर इनको ले लिया जाता है तो इससे श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं और इसी को हम पराग एलर्जी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं पराग कणों के कारण उत्पन्न होने वाली संवेदनशीलता, मैंने कहा पराग एलर्जी का मतलब होता है पराग कणों के कारण या पराग कणों से उत्पन्न संवेदनशीलता। तो एक प्रकार की क्या है, सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता होती है। तो क्या है, देखिए पराग कणों और टैपिटम द्वारा उत्पन्न कुछ प्रोटीन एग्जाइम की कैविटी से, जो एग्जाइम है इन एग्जाइम के अंदर जो डिप्स होते हैं इन डिप्स के अंदर भर जाती है, कैविटी या गुहिकाओं या रिक्त स्थानों में भरे होते हैं या भर जाते हैं, जो पराग कणों के नमी के संपर्क में आते ही उन स्थानों से बाहर आ जाते हैं। और जब ऐसे पराग कणों को मानव द्वारा श्वसन द्वारा ग्रहण किया जाता है, मानव श्वसन द्वारा ग्रहण करता है तो इससे श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, लाइक राइनाइटिस, लाइक अस्थमा, लाइक ब्रोंकाइटिस, ऐसी कुछ एलर्जी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और इन्हीं एलर्जी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं एलर्जी को हम पॉलन एलर्जी कहते हैं, इसी टाइप की एलर्जी को पॉलन एलर्जी कहा जाता है। ओके, तो हमें याद रखना है पराग एलर्जी क्या है, पराग एलर्जी किसे कहते हैं। ठीक, अब एक शब्द है नया जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 5-star क्वेश्चन है, हे फीवर, एक वर्ड है हे फीवर। हे फीवर पराग कणों के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रकार की एलर्जी है जिसे हे फीवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका हे फीवर का जो रिलेशन है वो एम्ब्रोसिया से है, एम्ब्रोसिया जो प्लांट है उसके पॉलेंस को जब हम श्वसन के माध्यम से या रेस्पिरेशन के माध्यम से इनहेल कर लेते हैं तो ऐसी इसके कारण एक टाइप की पोलन एलर्जी क्रिएट होती है और इस पोलन एलर्जी को हम हे फीवर कहते हैं, राइट, हे फीवर। ठीक है, जो पोलन एलर्जी है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन उसके अंदर किसका है, कैरेट ग्रास का है, कैरेट ग्रास जिसे हम गाजर घास भी कहते हैं, एक टाइप का हम कह सकते हैं वीड है ये, गेहूं के अंदर मतलब वीट की क्रॉप में, गेहूं की फसल में पाया जाने वाला एक प्रकार का एक प्रकार का वीड है, खरपतवार है जिसे कैरेट ग्रास या गाजर घास कहा जाता है और इसको पार्थेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पार्थेनियम। ये पार्थेनियम जो है ये पराग एलर्जी का सबसे मुख्य एक कारण है। ठीक है, तो मैंने लिखा है द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ पराग एलर्जी इज कैरेट ग्रास और एज वेल एज पार्थेनियम, जिसे हम पार्थेनियम भी कहते हैं। सो इसके पराग कण जो होते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में पराग एलर्जी क्रिएट करते हैं, पॉलन एलर्जी क्रिएट करते हैं, राइट, ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा कुछ और भी पौधे हैं जैसे चिनोपोडियम। इस चिनोपोडियम को हम जो सामान्य भाषा है उसमें बथुआ कहते हैं, बथुआ आप देखते हैं, ये भी मोनोपॉड का वीड है, एक टाइप का मोनोपॉड डाइकॉट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा बथुआ, जिसे चिनोपोडियम कहते हैं। इसके जो पॉलेंस होते हैं वो भी पॉलन एलर्जी क्रिएट करते हैं। इसी तरह से रैसिनस या कैस्टर जिसे अरंडी कहते हैं, ये अरंडी जो है, अरंडी के जो पॉलेंस होते हैं ये भी पॉलन एलर्जी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एक और प्लांट है जिसे एमरंथस कहते हैं, ये भी
पॉलन एलर्जी क्रिएट करता है, राइट। सो पॉलन एलर्जी का एक सिंपल सा मतलब है कि पराग कणों के कारण उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की संवेदनशीलता। ओके, सो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है पॉलन एलर्जी के लिए कि तमिलनाडु में नीलाकुरंजी नाम का एक प्लांट होता है ना, जिसमें 12 साल में एक बार पॉलिनेशन होता है और 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, और जब फ्लावरिंग होती है तो इतना फ्लावर उसमें एक साथ आता है कि वहाँ की रोड जो है वो एकदम फ्लावर से ढक जाती है, और क्लाइमेट के अंदर एटमॉस्फेयर में वातावरण में पॉलेंस की तादाद इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर उन लोगों में पॉलन एलर्जी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो पॉलन एलर्जी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो आपसे एक शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है। सो ये आपके सामने पॉलन एलर्जी है। आप इसी तरह से हमारी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देखते रहिए और अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 100 में से 100 मार्क्स दिलाने के लिए जितना कंटेंट आपके सामने सर्च कर सकता हूं, सारा कंटेंट एकदम क्लियर, एकदम शॉर्ट तरीके से जो आप लर्न कर सकें, ओके, मैं आपको सर्व करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।